हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। ये मेरा इस ईयर का लास्ट वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको इस साल में क्या क्या बीता आप लोगों के साथ और क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटी आएगी उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया डबल्स या DCL में, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ एक दो नंबर से या फिर एक ही नंबर से या सेम मार्क्स लाने के बाद भी नहीं हुआ, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत ना हारिए। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है फिर से, आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके और अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर आपका सिलेक्शन कंफर्म करिए कोल इंडिया में, ठीक है। बहुत लोग बहुत अच्छे से मेहनत किए थे लेकिन किसी भी कारण से नहीं हो पाया, तो कोई नहीं, आप लोग बेस्ट है। आप लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी में कंफर्म हो जाएगा, मतलब जो WCDCL में नहीं हो पाया तो वो NCL या MCL में हो जाएगा। लेकिन हाँ, वही कहना है कि मतलब जो इंटेंट रखे हैं पढ़ाई का, उसको कंटिन्यू करिए, डिसिप्लिन में पढ़िए और अपना एटीट्यूड क्लियर रखिए कि बस मेरे को करना है तो करना है और एक सीट अपना कंफर्म करना है, ठीक है। उसी एटीट्यूड से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और जो नए लोग हैं जो आए हैं, इनका सर्टिफिकेट मिला है, वो लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और अधिक से अधिक फोकस करिए रिवीजन पे और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सेट बना बना कर क्वेश्चन मारते रहिए प्रैक्टिस, जिससे आपको का मतलब एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम के फियर को कम करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से आपका मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न में ढलते जाना है और अपना अधिक से अधिक क्वेश्चन को करेक्ट करके, अभी आप अगर गलती कर सकते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती को करेक्ट करिए और अपनी गलती को सुधार करिए, जिससे आप फाइनल एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको एरर ना हो और आपका सिलेक्शन ना रुके, क्योंकि एक भी मार्क्स ना आपका सिलेक्शन रोक देगा। और आप चाह के भी इतने अच्छे पढ़े भी रहेंगे ना तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो वही एरर को कम करने के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, रिपीट करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ना, उससे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो यही मेरे विशेष हैं कि चलिए ये साल तो जा रहा है अच्छे से, जिनका हुआ तो उनके लिए अच्छे से था और जिनका नहीं भी हुआ उनके लिए कोई बात नहीं, अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिली है, दो वैकेंसी हैं, अच्छे से इसमें अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इस बार नहीं, 2023 आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ये मेरे विशेज़ हैं कि हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोग के लिए। और आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते रहिए और ये आने वाला वैकेंसी दोनों आप लोग के लिए है, अच्छे से दम लगा कर पढ़िए और अपना एक सीट कंफर्म करिए और कोल इंडिया या आप लोग का ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए, जो भी अधिकतर माइनिंग वाले हैं उनके लिए ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन कोल इंडिया है, इतना बड़ा है, उसमें आने का एक सुनहरा मौका मिला है आप लोग के लिए MCL और NCL, ठीक है। तो यही बोलना चाहता हूँ और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग को मोटिवेट करते रहेंगे रिगार्डिंग NCL एग्ज़ाम। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है इस साल का, तो चलिए आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए न्यू ईयर। और देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़े पढ़ते जा रहे हैं, एक दो दिन रेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके ओवरलोड होने के बाद ना दिमाग में जाएगा नहीं, बस पढ़ते रहना ही सब कुछ नहीं है, स्मार्ट वे में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नियर टू ऑल, जितने भी मेरे माइनिंग कंसेप्चुअल के फैमिली है सभी को और जितने बच्चे लोग हैं जो माइनिंग के हैं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को हैप्पी नियर टू ऑल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग कंसेप्चुअल।